स्यापा जब भी मचता है और उस स्यापे की सफाई करने में बड़ा मज़ा आता है। तो इस फिल्म में भी टोटल स्यापा में हम दोनों ने एक स्यापा मचाया, जो कि हमें प्यार इतना था और उसकी वजह से फिर हम चाहते थे हम शादी कर लें, लेकिन जिसके पेरेंट्स, इसकी मम्मी स्पेशली, उनको जब पता चला कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो वो फ्रीक आउट हो गई कि तुम पाकिस्तानी से कैसे शादी कर सकती हो। तो एक स्यापा से दूसरा स्यापा, फिर उस दिन मैं नर्वस हो गया और फिर नर्वसनेस से चीज़ें गलत होनी शुरू हो गई और फिर एक से दूसरी चीज़ और स्यापा, फिर टोटल स्यापा हो गया। स्यापा पंजाबी का वर्ड है और बड़ा मज़े का वर्ड है कि स्यापा पै गया, क्या मुसीबत है। तो जब सब गलत हो जाता तो स्यापा, तो नीरज पांडे का ये थॉट थी, उन्हीं का। हर कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज तो जाहिर होती है, जिस तरह अमन जो है ये लड़का, ये बड़ा थोड़ा शाय है, थोड़ा इंट्रोवर्टेड है और इसको ये जब लेके जाती घर तो सूट वूट पहना के लेके जाती है, टाई वाई लगा के ऐसे मिलना चाहिए, तो ये उसमें फंसा हुआ थोड़ा फील करता है क्योंकि ज़रा फ्री स्पिरिटेड है, म्यूजिशियन है, और तो ज़रा एक ऑकवर्ड इन्वायरमेंट में आ गया तो उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज ही ज़ाहिर है चेंज हो जाती है। तो वो आप फिल्म में देखेंगे, तो आई थिंक इन एवरी फिल्म फॉर एवरी कैरेक्टर आपको अपने आप को थोड़ा चेंज और मॉडिफाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर। I was very happy because I'd seen his work before, I'd heard his music, I think he's very talented, so obviously I was very excited to work with him. And besides the fact that I think one of the main USPs of the film is I think the casting of the film, I think it's very apt, and so I was very happy, yeah, I got a chance to work with Ali. I think he's really multi-talented, he's as good an actor as much as he's a singer, composer, he's a very good painter, which I didn't know. I just got to know, you know, some while back, and I think he's fabulous. He's very creative. I've been very lucky कि मेरी जो अभी तक जो चार फिल्में आई हैं, उनमें से तीन बॉक्स ऑफिस पे अच्छा उन्होंने धमाल मचाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि टोटल स्यापा भी करेगी। और ये बहुत खुशकिस्मती की बात होती है किसी एक्टर के लिए कि इन द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर अगर उसको इतनी सक्सेस मिले, इतना प्यार मिले, इतनी अप्रिसिएशन मिले और इतनी अच्छी को स्टार मिले काम करने के लिए। सर नहीं, आई थिंक ऑफ सेट्स बिल्कुल स्यापा लेस है सब कुछ, क्योंकि सभी बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं, सबको अपना अपना रोल पता है, अपना काम पता है, दे ऑल फैबुलस एक्टर्स, और आई थिंक काम करने में बहुत मज़ा आया क्योंकि बहुत मज़ेदार लोग हैं सब, तो सब कुछ मज़ेदार हो तो फिल्म भी मज़ेदार। ऑफकोर्स उम्मीद हम लोगों ने काम किया तो ऑफकोर्स बहुत स्पेशल है, और कोई रीज़न है जिसकी वजह से साइन की थी, वो थी उसकी स्क्रिप्ट, उसकी राइटिंग, बहुत फनी फिल्म और कॉमेडी है, बड़ी एंटरटेनिंग, तो अगर आप बहुत हंसना चाहते हैं तो फिल्म देखें। फॉर मोर न्यूज एंड गॉसिप डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बॉलीवुड हेल्पलाइन।